लेकिन स्टूडेंट्स अब हम चैप्टर टू के जो इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास शार्ट क्वेश्चंस है जी, व्हाट इज़ प्लम पडिंग थ्योरी। व्हाट इज़ प्लम पडिंग थ्योरी, एक बात आपने जहन नशीन करनी है कि मैं आपके साथ इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास शार्ट क्वेश्चंस है जी, फॉर व्हाट पर्पस यूरेनियम 235 यूज्ड। नेक्स्ट हमारे पास है जी, डिफाइन न्यूक्लियॉन्स। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी, ऑब्जर्वेशन, व्हाट वर द ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट हमारे पास है जी, गिव एनी टू डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड एंड बोहर एटॉमिक थ्योरी। नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन है जी, डिफरेंस बिटवीन शेल एंड सब शेल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी, डिफाइन कार्बन डेटिंग। अब हम चैप्टर टू के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बच्चे, सबसे पहले हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है जी, बोहर एटॉमिक थ्योरी। इस तरह हमारे पास है जी, रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी, इनको जो है ना आपने लाजमी करना है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है जी, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, इनको अच्छे से कर लेना है। और नेक्स्ट हमारे पास है जी, यूजेज ऑफ आइसोटोप्स है। और लास्ट हमारे पास है जी, डिफरेंस बिटवीन बोहर एटॉमिक थ्योरी एंड रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी, जो कि एक डिफरेंस में दिया हुआ है। ये इंतहाई जो है वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो मैंने आपके साथ जो है वो डिस्कस किए हैं।